Okay. Now, exercise number 13.3. The first question you are saying, an urn contains five red and five black balls. अर्न में तो मतलब कोई बर्तन हो सकता है आपका नाम देखो दिस द ये 1, 2, 3, 4, 5 5 black balls. सॉल्यूशन नंबर वन बता रहा हूँ आपका तो ना ओके एंड अर्न कंटेन्स फाइव रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स आपका हो गया तो ठीक हो गया तो ना लेट द टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स आ जाएगी वो 5 + 5 इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा जो एक्चुअल में अब जिसको आप कायदे से NS लिखते थे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस हो गया अब आपका कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एक बॉल को आपने एट रैंडम आपका ड्रॉन किया इट्स कलर इज नोटेड और उसका कलर भी आपने नोट किया एंड इज रिटर्न टू द अर्न और उसके बाद कलर को नोट करने के बाद देखने के बाद उसको फिर आपने उसमें डाल दिया वापस अर्न में डाल दिया तो कह रहा है मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द ये तो बात की बात है आपका मोर ओवर पहले आपका देखो ना तो कह रहा है क्या बॉल ड्रॉन वट इज द प्रॉब्लिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड सेकेंड बॉल भी आपकी रेड होगी आपका ना देखो तो ना सबसे पहले आपका ये लेट नाउ दिस द रेड बॉल इज ड्रॉन पहली बॉल आपने जो ड्रॉन की आपका ना देखो इन द फर्स्ट एटम पहले एटम में आपकी जो बॉल आपकी होगी तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लिटी ऑफ इवेंट्स फॉर आपका ना देखो दिस ड्रॉइंग अ रेड बॉल पहली बार में जो आपका रेड बॉल आपका होगा तो क्या हो जाएगा कितनी है रेड बॉल कितनी फाइव है आपका दिस फाइव अपॉन आपका टेन हो जाएगा तो ये वन हो गया अब इसके बाद आपको सेकंड केस में क्या बोला इफ टू रेड क्या है टू रेड बॉल्स आर एडेड अब इसमें दो रेड बॉल आपका आपने इसमें ये ऐड किया अपना देखो ना देखो एडेड टू द अर्न आप खुद ही देखो जरा क्वेश्चन को देखेगा अर्न में आपका क्या सो इसका मतलब द अर्न कंटेन्स क्या हो जाएगा 7 रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल उसके बाद 5 ब्लैक बॉल्स अब दो अपने अंदर किए आपका ना देखो इट क्लियर समझ रहे हैं सर कुछ समझ रहे हैं इसका मतलब दो रेड बॉल आपने और डाल दी कह रहे देखो आपका ना देखो टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न है आपका देखो उस बर्तन में उस झोले में उस बैग में आपने दो डाल दिए तो 5 पहले से थे 2 ये ऑलरेडी आ गए देन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपका 7 हो गए सर इसमें आपने पहले से रेड बॉल निकाली ना उसमें तो फिर यहां पे रैंडम नहीं होगा कंफर्म तो ना कि पहली बॉल देखो ना क्या कर रहा है सेकंड बॉल इज रेड है ना मैं तो उसके साथ अच्छा अभी पहले रेड बॉल का निकालूंगा फिर उसके बाद ब्लैक बॉल का भी देखूंगा आप देखो पहले समझो तो दो बॉल आपका क्या हो गया इसमें अन्न में डाल दिया अब आपका कितना हो गया अब देखो अब फिर देखो प्रॉबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग पहले इसको समझ लीजिएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फिर अब जो रेड बॉल की जो प्रॉबिलिटी आपकी हो रही है आपका क्या हो गया 7/12 अब तो 12 हो गया आपका नाम रैंडम है ना अब मैंने ये निकाल दिया एक बार अब आप बी में आइए आपका देखो लेट द ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही है तो इसमें था प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल ये इसे बोला अभी अभी आपका 5/5 आपका क्या जाएगा कहीं नहीं होगा इसका मतलब ये भी आपका क्या गया सर 1/2 अब क्या बोला जरा देखो आपका नाम क्या कह रहा है दो उसी कलर की बॉल दो है ना तो इफ टू ब्लैक बॉल्स ये आपने कर दिया आपका ना देखो आर एडेड टू अर्न आपने इसमें डाला देन द
रेड कलर बॉल विल बी 5 एंड ब्लैक बॉल्स विल बी आपका ए 7 हो जाएगा सर। ठीक है गलत श्योर है। अब आपका देखो क्या कह रहा है आपका ये सेकंड बॉल ठीक है ना हो गया। अब आपका देखो जरा चेक करिएगा तो क्या कह रहा है टू ब्लैक बॉल्स आर एडेड टू अर्न देन द अर्न कंटेन्स आपका कितना हो गया। अब आपका देखो क्या लिख रहा है जरा लास्ट में देखो क्या लिख रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल के लिए बोल रहा था रेड बॉल के लिए कितना हो जाएगा सर रेड बॉल के लिए सर 5/12 रेड कलर बॉल तो आपकी उतनी है दो ब्लैक डाली ना और कह रहा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द सेकंड बॉल इज रेड तो सेकंड बॉल इज रेड उसकी प्रॉब्लम आपकी क्या होगी ये होगी। अब आपका देखो लास्ट में जरा फॉर्मूला देखिएगा पुनः प्रॉब्लिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड बॉल वो क्या एस रेड रेड के लिए क्या होगा 1/2 इंटू 7/2 प्लस 1/2 इंटू 5/7/12 सर इज इट क्लियर 1/2 आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए 7/12 और प्लस 5/12 दोनों 1/2 एलसीएम आपका 12 तो आपका देखो 7 प्लस 1/2 तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 होगी सेकंड अटेम्प्ट में सर ये था। अब यहां से ही आपके क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा आपको डाउटफुल लगेंगे। एक अर्न एक बर्तन जिसमें कि आपके 5 बॉल ब्लैक थी और 5 आपका रेड थी उसके हिसाब से एक बॉल आपने रैंडमली सीक्वेंस ही नहीं रैंडम में तो कोई भी आ सकता है इट्स कलर इज नोटेड आपने कलर किया और रिटर्न उसको उसमें डाल दिया। अब उसके बाद क्या किया आपने तो इसका मतलब पहले आप क्या करिए रेड का ले लिया फिर आपने ब्लैक का ले लिया लेकिन हमने क्या पहले रेड का लिया और फिर क्या किया उसमें 2 बॉल रेड की एडिशनल करके उसका भी निकाल दिया फिर एट रैंडम में ब्लैक बॉल का निकाल दिया ब्लैक बॉल का फिर उसमें क्या किया आपने फिर 2 ब्लैक बॉल उसमें ऐड की उसका नहीं निकालना है क्योंकि रैंडमली में आपको क्या करना है रेड का ही निकालना है सेकंड रेड वाला इसका मतलब नंबर ऑफ जो बॉल थी वो 5 ही रही लेकिन वहां आपका क्या होगा 7 हो गए तो 7/12 हो गए बाकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपका नाम ये 1/12। एक और करिए पीछे वाला कंपार्टमेंट वाला तब समझ में आएगा आपका